गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। माध्यमिक शिक्षा के 436 नव चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को मिली तैनाती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए नियुक्ति पत्र, खिले चेहरे, कहा न सिफारिश न लेन देन, यूपी में बस मेरिट से चयन। नव चयनित शिक्षकों से सीएम ने की अपील, शिक्षक की महती जिम्मेदारी का ईमानदारी से करें निर्वाह। बांसगांव थाना क्षेत्र में मिला 32 वर्षीय महिला का शव, ग्रामीणों द्वारा शव रखकर किया गया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को महज 2 घंटे में किया गिरफ्तार। एसडीएम सदर ने कहा अगर 29 जनवरी तक प्रशासन को नहीं मिला असरन पोखरे के बराबर जमीन तो हटाया जाएगा पोखरे से अवैध अतिक्रमण। सुमेर सागर पोखरे के साथ असरन पोखरे का भी होगा सुंदरीकरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक पद पर चयनित 436 के नियुक्ति पत्र वितरण के तहत जनपद से चयनित 3 शिक्षकों को एनआईसी गोरखपुर के सभागार में जन प्रतिनिधियों ने दिए नियुक्ति पत्र। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को जताया आभार, कहा उम्मीदों पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। सहजनवा तहसील दिवस पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। एसएसपी सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्या, दिए निस्तारण के निर्देश। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की 16वीं बैठक हुई संपन्न। नगर निगम कार्यकारिणी के लिए 6 पार्षद चुने गए निर्विरोध सदस्य। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। एसडीएम सदर ने कहा अधिकतर आए बिजली और भूमि विवाद के मामले, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, शेष के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निराकरण की बनी रणनीति। एसपी क्राइम ने कहा रात्रि गश्त की होगी निगरानी। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,333। अब तक 354 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 130 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का जनपद स्तरीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार संगोष्ठी। नई शिक्षा नीति तथा शिक्षकों की समस्याओं पर हुई चर्चा। और ब्रिस्बेन में अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारतीय क्रिकेट टीम ने किया कब्जा। महानगर के स्थानीय खिलाड़ियों ने भी किया खुशी का इजहार, कहा किसी भी देश की टीम को हराने का दम रखती है भारतीय टीम।